फ्रेंड्स, वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल मदर ऑफ टू पर्स। आई होप यू ऑल डूइंग गुड। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई वॉन्ट टू विश टू ऑल ऑफ यू हैप्पी इंटरनेशनल वुमेन डे। टुडे आपको पता है कि 8 मार्च है, तो आज वुमेन्स डे है, तो उसी से रिलेटेड हमारा ये आज का ब्लॉग है। अब ये आप सबको बताए कि 8 मार्च को वुमेन्स डे सेलिब्रेट किया जाता है, बट क्यों सेलिब्रेट किया जाता है और ये फर्स्ट वुमेन डे कब सेलिब्रेट हुआ था वो मैं आपको बताऊंगी आज के इस ब्लॉग में। हाँ जी, इस ब्लॉग में हम बात करेंगे कि जो फर्स्ट वुमेन्स डे सेलिब्रेट हुआ था वो कब, कहाँ और क्यों सेलिब्रेट हुआ था। प्रीवियस हिस्ट्री से रिलेटेड है ये कुछ, तो आइए चलते हैं, ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। तो ब्लॉग स्टार्ट करने से पहले जिन ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है, प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ। अब हम ब्लॉग में कुछ ऐड करेंगे। मैंने ये सोचा कि ब्लॉग्स में हम कुछ जनरल नॉलेज की बातें भी करेंगे, प्रीवियस हिस्ट्री के बारे में भी डिस्कस करेंगे। जैसे कि हम सबको पता है 8 मार्च को वुमेन्स डे मनाया जाता है, बट क्यों मनाया जाता है और इसकी ये स्टार्ट कब से हुआ था और कौन सी कंट्री से इसकी स्टार्टिंग हुई थी वो हम डिस्कस करेंगे इस ब्लॉग में। तो स्टार्ट करते हैं आज का ब्लॉग। तो जो सबसे पहला वुमेन्स डे था वो 909 में यूएसए में सेलिब्रेट किया गया था 28 फेब को। अब ये आप सबको मैंने बताया कि 28 फेब को 909 में स्टार्ट हुआ था ये, और ये स्टार्ट किया गया था यूएसए में सबसे पहले। तो ये किस लिए सेलिब्रेट किया गया था ये मैं आपको बताती हूँ। ये सेलिब्रेट किया गया था जो वुमेन्स हैं उनके इकोनॉमिकल, सोशल और क्या कहते हैं कल्चरल अचीवमेंट्स के बिहाफ पे। अगर हम प्रीवियस हिस्ट्री में जाएं तो जो आज का टाइम है और प्रीवियस हिस्ट्री का टाइम है उन दोनों में बहुत डिफरेंस है। पहले के टाइम में वुमेन्स को कुछ भी नहीं समझा जाता था, ये आपको भी पता और मुझे भी पता है, बट आज के टाइम में हर वुमेन ने, मोस्टली वुमेन्स ने इतना अचीव कर लिया है कि वो मतलब जो मेल्स हैं उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रही हैं आज के टाइम में। तो चाहे वो घर हो, चाहे वो ऑफिस वर्क हो, हर तरह वुमेन ने अपने आप को डेवलप किया है और उसी से हमारी कंट्री को भी बहुत डेवलपमेंट मिली है। तो उसी के बिहाफ पर मेरा आज का व्लॉग है कि वुमेन्स डे हम क्यों सेलिब्रेट किया गया था वो मैंने आपको बताया। 1910 में क्लारा ज़ेडिन नाम की एक वुमेन थी, उन्होंने एक मार्च ऑर्गेनाइज करा जिसमें 17 कंट्रीज़ की वुमेन्स ने पार्टिसिपेट किया। 100 से अबव वुमेन्स वहाँ पर थी, जर्मनी, स्विट्ज़रलैंड, ऑस्ट्रेलिया से वुमेन्स वहाँ पर आए थे। और 19 मार्च को तब से वुमेन्स डे मनाया गया, उसकी डेट फाइनल करी गई 19 मार्च 1911। बट आगे जाके 1930 में वुमेन्स डे 8 मार्च के लिए डेट फाइनल की गई और उसी को वुमेन्स डे के नाम से जाना गया। तो उस तब से लेके आज तक 8 मार्च को ही वुमेन्स डे हम सेलिब्रेट करते हैं। तो ये था कि मैंने आपको बताया कि वुमेन्स डे फर्स्ट ऑफ ऑल कब सेलिब्रेट किया गया, कहाँ सेलिब्रेट किया गया और किस बिहाफ पे वुमेन्स डे मनाया जाता है और प्रीवियस हिस्ट्री में मतलब कौन सी डेट पे सेलिब्रेट किया जाता था, ये सब मैंने आपके साथ डिस्कस किया। सो ये तो थी प्रीवियस हिस्ट्री की बात और अब हम करेंगे आज की बात। तो ये तो हो गया कि वुमेन्स डे क्यों और कब और कैसे सेलिब्रेट किया जाता है। मेरा मानना ये है कि आपको भी पता है कि मोस्टली वुमेन्स घर पे रहकर हाउसवाइफ है और घर का काम करती हैं, तो ये नहीं कि वो हाउसवाइफ है तो सारा दिन वो आराम करती हैं, कुछ नहीं करती। उनको इतना क्रिटिसाइज़ किया जाता है कि नहीं आप कुछ नहीं करते हो, घर का काम क्या होता है, कुछ भी नहीं होता है, घर पे रह के सारा दिन आराम करते हो। तो ऐसा नहीं होता है, जो ये बातें बोलते हैं कोई भी हो जाए, अपनी फैमिली में कोई अपनी वाइफ से बोल रहा है, कोई अपनी सिस्टर से बोल रहा है, कोई अपनी डॉटर इन लॉ से बोल रहा है, कोई अपनी सिस्टर इन लॉ से बोल रहा है, कोई भी एनीवन। तो मैं उनसे ये बोलना चाहती हूँ कि आप एक दिन घर पे स्टे करो, घर का सारा काम करके देखो,
तो आपको पता चलेगा कि वुमेन जो घर पे रह रही है वो भी करना बहुत इजी नहीं है, अकॉर्डिंग टू ऑफिस जाके वर्क करना उससे ज़्यादा इजी नहीं है। ये ऑफिस जाकर वर्क करने से ज़्यादा डिफिकल्ट होता है घर संभालना। तो चाहे वो होम हो और चाहे वो ऑफिस हो, तो वुमेन जहाँ पर भी ड्यूटी करती है वो बहुत ही माइंड सेट होकर ड्यूटी करती है। और कोई भी वुमेन हो, चाहे वो ऑफिस वर्क से रिलेटेड वुमेन हो चाहे वो होमवर्क से रिलेटेड वुमेन हो, दोनों ही बहुत इम्पॉर्टेंट होती हैं और दोनों का ही वर्क बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। सो आज का जो टाइम है कोई भी वुमेन मैन से कम नहीं है, ये आपको भी पता और मुझे भी पता है, दोनों ही सेम है। तो हमें दोनों के बीच में डिफरेंस नहीं करना चाहिए, ना ही एक दूसरे को, मतलब जैसे कि चलो मैं आपसे अपनी ही बात शेयर करती हूँ। आप सबको पता है कि मैंने जैसे कि फर्स्ट ब्लॉग में आपको बताया था कि मैं एक नॉर्मल हाउसवाइफ हूँ, मैं कोई भी वर्क नहीं कर रही हूँ बाहर जाके भी और घर से भी मैं कुछ नहीं कर रही हूँ, मैं ओनली हाउसवाइफ हूँ। हाँ, हाल फिलहाल में मैंने अपना चैनल स्टार्ट किया है, आप लोगों के साथ शेयर करा है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि मेरे हस्बैंड मेरी रिस्पेक्ट नहीं करते या मेरी फैमिली में सबको पता है कि कोई भी हो अगर वो घर रह के कोई भी काम करेगा तो वो, अगर मैं अपने आप की ही बात करूं, घर रहकर मैं विदाउट जॉइंट फैमिली अपने दोनों बच्चों को संभाल रही हूँ, आप लोगों के साथ अपना ब्लॉग शेयर कर रही हूँ, अपनी स्टडी कंप्लीट कर रही हूँ और पूरा हाउस अकेले मैनेज करती हूँ, तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। और रही बाकी वुमेंस की बात, तो मेरे से ज़्यादा और वुमेंस भी हैं जो अच्छे तरीके से घर संभालती हैं, अपने बच्चों को संभालती हैं और ऑफिस वर्क भी करती हैं। तो कोई अपनी लाइफ में छोटा बड़ा नहीं होता, हर किसी की लाइफ का अलग शेड्यूल होता है और वो अपनी लाइफ में अपने हिसाब से चलता है। तो हर वुमेन को सैल्यूट है मेरा। तो हैप्पी वुमेंस डे टू ऑल ऑफ यू वंस अगेन। परी भी आ चुकी है, हैप्पी वुमेंस डे परी। की बात और सो वी हैव टू रिस्पेक्ट वुमेन नॉट बिकॉज ऑफ देयर जेंडर बट फॉर देयर आइडेंटिटी। इट इज द वुमेन हु ब्रिंग्स अस लाइफ और वुमेन प्ले द मेजर रोल इन मैनी प्लेसेस ऑफ द वर्ल्ड। सो रिस्पेक्ट ऑल वुमेन्स। और इससे ज़्यादा मैं क्या बोलूँ, आप लोगों को समझ ही आ गया होगा मैंने इतना कुछ ब्लॉग में बताया आपको कि हमें सबकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। मोस्टली वुमेंस की रिस्पेक्ट तो हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। ऐसा नहीं कि मैं वुमेन हूँ मैं इसलिए बोल रही हूँ, मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि अगर हम औरतों की इज्जत करेंगे तभी हमारी इम्प्रूव हो सकती है कंट्री, और हमें अपने घर पे भी यही सिखाना चाहिए बच्चों को। सो गाइस, ये था हमारा आज का ब्लॉग, आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिए। Yeah, bye bye. And if you like my video, so like, share and subscribe my channel. So tab tak ke liye bye bye. Ab milte hain next vlog mein. Happy Women's Day to all of you once again. So tab tak ke liye bye bye.